बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। किसी भी काम के करने से पहले सोचो, उसकी तो सोच ही नहीं है, उसकी सोच बहुत आला है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें अक्सर इन फिक्रात का सामना करना पड़ता है, तो आज की हम वीडियो में ये देखेंगे कि ये सोच क्या है। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को बयान करेंगे। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। बेंजामिन ब्लूम ने ये टैक्सोनॉमी 1956 में पेश की और उसने इस टैक्सोनॉमी में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन में तकसीम किया है और उसने हर डोमेन में मुख्तलिफ लेवल्स बयान किए हैं। और हम या एक बच्चा एक लेवल से जब दूसरे लेवल तक जाता है तो इसका मतलब है कि वो सिंपल चीज़ों से गुजरता हुआ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सीखता है और समझता है। बेंजामिन ब्लूम की इस टैक्सोनॉमी में आज हम कॉग्निटिव डोमेन की बात करेंगे। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब ये है कि हम मालूमात को किस तरह परसीव करते हैं, किस तरह उसको समझते हैं और किस तरह उन मालूमात को हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। गोया इस डोमेन का ताल्लुक हमारी थिंकिंग स्किल से है और इसमें ये देखा जाता है कि एक बच्चा पहले लेवल से आखिरी लेवल तक किस तरह जाता है। कॉग्निटिव डोमेन टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। टीचर्स के लिए अब ये कैसे हेल्पफुल होगी, वो इस तरह कि एक टीचर जो है जब भी कोई लेसन प्लान करता है तो वो मुख्तलिफ किस्म के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करता है, तो ये डोमेन जो है वो टीचर्स की हेल्प करेगी कि वो किस तरह पहला लेवल के मुताबिक बच्चों को पढ़ाए, फिर दूसरे लेवल के मुताबिक और इस तरह पढ़ाता पढ़ाता आखिरी लेवल तक आए। इसी तरह ना सिर्फ किसी भी लेसन को प्लान करते हुए टीचर की मदद करेगी ये डोमेन, बल्कि जब वो असेसमेंट करता है बच्चों की उस वक़्त भी ये टीचर की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यानी कि हम देखते हैं कि असेसमेंट किस चीज़ का नाम है। असेसमेंट जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की ही की जाती है। हमारे जो भी मकासद होते हैं असेसमेंट में हम ये देखते हैं कि आया कि वो मकासद हासिल हो पाए हैं कि नहीं। लिहाजा एक टीचर की ये कॉग्निटिव डोमेन इस तरह से मदद करती है कि उसको लेसन प्लान करने में मदद देती है और इसके साथ साथ उसको बच्चों की असेसमेंट में भी मदद देती है। इसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो भी अपने बारे में ये जान सकते हैं कि किसी भी टॉपिक के हवाले से उनकी मालूमात किस लेवल तक पहुंची हैं। बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन को 1956 में पेश किया और उसने इसके 6 लेवल्स बताए। जो पहले 3 लेवल हैं वो बेसिक लेवल हैं और जो अगले 3 लेवल हैं वो एडवांस लेवल है। जब हम 1956 में उसने इस डोमेन को पेश किया तो इसको नाउन की सूरत में पेश किया, जैसा कि इसके जो 6 लेवल हैं उनके नाम हैं नॉलेज, कम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। कॉग्निटिव डोमेन को 2001 में डिवाइस किया गया और नाउन से इसको वर्ब में तब्दील कर दिया गया। जैसा कि नॉलेज है, नॉलेज को कहा गया रिमेम्बरिंग, कम्प्रिहेंशन है, कम्प्रिहेंशन को कहा गया अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को कहा गया अप्लाइंग, एनालिसिस को कहा गया एनालाइजिंग, सिंथेसिस का लेवल जो कि बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में 5वें नंबर पर बताया था, 2001 में जब इसको रिवाइज किया गया तो उसको 6ठे नंबर पर ले जाया गया और इवेल्यूएशन को पहले ले आया गया। लिहाजा 5वें नंबर पर आ जाता है इवेल्यूएटिंग और 6ठे नंबर पर आ जाता है क्रिएटिंग। सबसे पहला लेवल जो है वो है नॉलेज। इसका ताल्लुक इस बात से है कि बच्चा जो है किसी भी मालूमात को रिकॉल कर सके या मेमोराइज कर सके। ये वो लेवल है जिसको कि हम आमतौर पर ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो सिर्फ रोट लर्निंग हासिल कर सका है, यानी कि वो किसी चीज़ का बिल्कुल इनिशियल लेवल है। अगर हम बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ाएं और वो बच्चा जो है उस टॉपिक को वैसे ही रिकॉल करके हमें सुना दे तो ये हमारा पहला लेवल है जो कि नॉलेज बनता है। मसलन कि मैंने बच्चे को आलूदगी के बारे में पढ़ाया और फिर मैं बच्चे से पूछूं कि आप बताओ कि पोल्यूशन किसे कहते हैं, तो अगर बच्चा जो है वो पोल्यूशन को डिफाइन कर दे तो ये हमारा नॉलेज लेवल है। इसके साथ साथ क्लास में हम देखते हैं कि बच्चा जो है आमतौर पर अगर हम बच्चे को पोइम पढ़ाएँ तो बच्चा जो है वो पोइम को वैसे ही रिसाइट कर दे। अगर हम बच्चे को टेबल्स पढ़ाते हैं या अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हैं चाहे उर्दू के हैं, तो बच्चा जो है उन अल्फ़ाबेट्स को वैसे ही हमें सुना दे बगैर समझे, तो ये लेवल जो है वो पहला लेवल बनता है जिसे नॉलेज कहते हैं। अब हम दूसरे लेवल की बात करते हैं जो कि है कम्प्रिहेंशन। इससे मुराद है कि बच्चा अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ता है तो ना सिर्फ वो इसे पढ़े बल्कि वो इसको समझ भी पाए। मसलन के अगर हम उसको एक पैराग्राफ पढ़ाते हैं तो बच्चा जो है उस पैराग्राफ को अपने अल्फाज में बयान कर सके और इस तरह अगर वो पैराग्राफ इंग्लिश में है तो वो उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन कर सके।
किसी कहानी को अपने अल्फाज में बयान कर सकें, क्योंकि ये बच्चा उसी वक्त कर सकता है जब उसको इस बात की समझ होगी। लिहाजा कम्प्रीहेंशन हमारा सेकेंड लेवल है। एप्लीकेशन जो कि हमारा तीसरा लेवल है। एप्लीकेशन से मुराद ये है कि बच्चा जो भी मालूमात हासिल करता है उसको हासिल करे, उसको समझे और फिर वो इस काबिल हो कि वो उन मालूमात को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सके और उनको इस्तेमाल करते हुए अपने मसाइल को हल कर सके। मसलन मैंने क्लास में बच्चे को एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाई। अब बच्चा जो है, बच्चे को उसकी मदर कुछ पैसे देती हैं और कहती हैं जाओ दुकान से कुछ सौदा लेकर आओ। बच्चा दुकान पर जाता है और वो दुकानदार को पैसे देता है। 10 रुपये की चीज़ आई और उसने बच्चे ने दुकानदार को 20 रुपये दिए थे, 10 रुपये अब उसको वापस आने हैं। तो बच्चा जो है वो इस बात को समझ पाए कि 10 रुपये की चीज़ अगर आई है तो 20 में से अगर 10 निकालेंगे तो मुझे वापस 10 रुपये मिलेंगे। अगर वो इस लेवल को हासिल कर लेता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहा है। जो पहले 3 लेवल मैंने बताए हैं, नॉलेज कम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन लेवल बेसिक लेवल्स हैं। अब मैं एडवांस लेवल्स की बात करूँगी और उसमें सबसे पहले आता है एनालिसिस, जो कि अगर तरतीब में देखा जाए तो चौथा लेवल है। एनालिसिस से मुराद ये है कि आप किसी भी चीज़ को मुख्तलिफ पार्ट्स में ब्रेक करती हैं और उसके बाद उसके पूरे होल को समझने की कोशिश करते हैं। मसलन के आप बच्चे को अगर ये कहें कि आप मुझे ये बताएं कि इनफॉर्मल एजुकेशन की क्या क्या खसूसियात हैं, तो बच्चा जो है वो इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम करके, मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको ब्रेक करके समझने की कोशिश करेगा। मसलन वो बताएगा कि इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो वालदेन से हासिल की जाती है, इसके लिए कोई प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये हम आम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ वाक़ियात से और मुख्तलिफ तजुर्बों से हासिल करते हैं और इसके लिए किसी भी बाकायदा टीचर की या स्कूल की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर बच्चा जो है मुख्तलिफ पार्ट्स में इनको तकसीम करके ये नॉलेज हासिल करेगा तो उसका मतलब है कि वो एनालिसिस का लेवल अप्लाई कर रहा है। इसके साथ साथ एनालिसिस में हम देखते हैं कि दो मुख्तलिफ चीज़ों का आप डिफरेंस कर सकें। मसलन अगर हम बच्चे को कहें कि आप फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन का डिफरेंस बयान करें, तो बच्चा जो है वो दोनों के ऊपर काम करेगा, दोनों का डिफरेंस देखेगा। सबसे पहले वो फॉर्मल एजुकेशन को देखेगा कि फॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं, कि ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है, बाकायदा टीचर देते हैं, बाकायदा इसका नसाब होता है और उसके बाद इसका बाकायदा एक इम्तिहान होता है। जबकि इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो एक ऐसी तालीम है जिसके लिए किसी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है और वो घर में अपने दोस्त अहबाब, अपने माँ बाप और इर्द गिर्द के माहौल से बच्चा हासिल करता है और इसके लिए किसी भी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है और किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसका बाकायदा इम्तिहान दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि बच्चा जो है वो एनालिसिस लेवल को इस्तेमाल कर रहा है। इवैल्यूएशन 5वां लेवल है। इवैल्यूएशन में हम किसी भी चीज़ के बारे में जजमेंट करते हैं और जजमेंट के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के एविडेंसेस देते हैं और उन एविडेंसेस की बुनियाद पर हम ये फैसला कर पाते हैं कि आया कि हम उस चीज़ के बारे में जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है या गलत है। मिसाल के तौर पे आपको अगर अपने बच्चे के लिए कोई स्कूल का सिलेक्ट करना है तो आप किस तरह स्कूल को सिलेक्ट करेंगे? आप स्कूल के बारे में ये जानेंगे कि स्कूल में स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, स्कूल के टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, स्कूल का किस तरह का एनवायरनमेंट है, स्कूल का हेड का एटीट्यूड क्या है, टीचर्स का एटीट्यूड क्या है, रिसोर्सेज क्या है और वहाँ पे कोई मिसिंग फैसिलिटी तो नहीं है, बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो कैसा आ रहा है। इन सब बातों को आप मद्देनज़र रखते हुए आप इस बात को जज करेंगे कि आया कि मैंने अपने बच्चे को फ़लां स्कूल में दाखिल कराना है या मैंने अपने बच्चे को फ़लां स्कूल में दाखिल कराना है। तो इसका मतलब है कि आप मुख्तलिफ एविडेंसेस की बुनियाद पर जजमेंट कर रहे हैं और आप इवेल्युएशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसकी मिसाल ये दी जाती है कि अगर आप बाज़ार में कोई भी स्कूल का बैग ख़रीदने के लिए जाते हैं, बच्चा आपके साथ है तो बच्चा जो है वो मुख्तलिफ बैग्स को देखेगा, मुख्तलिफ बैग्स की खसूसियात को देखेगा। मसलन वो देखेगा कि मेरे एक बैग में मेरा टिफ़िन बॉक्स आ सकता है कि नहीं, मेरी सारी किताबें आ सकती हैं कि नहीं, नोटबुक्स, पेंसिल्स, इसके साथ साथ मेरी जो है कुछ वाटर बॉटल आ सकती है कि नहीं, या वो देखने में खूबसूरत है कि नहीं। इन सब बातों की बुनियाद पर वो 2 या 3 या 4 बैग में से किसी एक बैग को जब सेलेक्ट करेगा तो इसका मतलब है कि वो इवेल्युएशन कर रहा। सिंथेसिस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1956 में जब ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी को पेश किया था तो उस वक्त सिंथेसिस का लेवल 5वें नंबर पे था, लेकिन जब 2001 में इसको रिवाइज़ किया गया तो सिंथेसिस का लेवल जो है वो आखिरी बन गया
और सिंथेसिस से मुराद ये है कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हुए किसी भी नई चीज़ को प्रोड्यूस कर सकें। मसलन अगर बच्चा क्लास में इंग्लिश को पढ़ रहा है और वो ऐसे राइटिंग को पढ़ रहा है, तो टीचर अगर उसे कहे कि आप अपनी क्लासरूम के बारे में या अपने स्कूल के बारे में या इवन अपने घर के बारे में 10 फिक्रे लिखे, तो ये जो है ये हमारा सिंथेसिस लेवल आ जाता है कि जिसमें बच्चा जो है कोई नई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई नई चीज़ प्लान कर रहा है, कोई नई चीज़ बना रहा है, तो ये हमारा आ जाता है सिंथेसिस लेवल। या आप बच्चे को 5 या 10 वर्ड्स दें और उन वर्ड्स के साथ आप बच्चे को कहेंगे एक स्टोरी जो है वो बनाए, तो ये वो लेवल आता है कि जिसमें बच्चा जो है एक नई चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, और ये लास्ट लेवल है। ये एडवांस हमारे जो लेवल्स हैं उन लेवल्स का आखिरी लेवल है जिसमें बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो कोई नई चीज़ तख्लीक कर सके, उसकी क्रिएटिंग पावर को देखा जाता है। तो ये जो हैं लेवल्स 6 बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन में बयान किए हैं, और इनके ज़रिए जैसे जैसे जिस जिस लेवल पर एक बच्चा होता है तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उसकी थिंकिंग जो स्किल है वो उस लेवल के मुताबिक है। ये चीज़ टीचर के लिए भी हेल्पफुल होगी और बच्चे के लिए भी। व्यूअर्स, लास्ट में मैंने एक डायग्राम दिया है, आप इस डायग्राम को देखें और आप इस डायग्राम को देखकर ये जान सकते हैं कि मुख्तलिफ लेवल्स को किन चीज़ों में तकसीम किया है। जैसा कि अगर हम नॉलेज की बात करें तो उससे मुराद ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर सकें, आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें, आप किसी चीज़ की लिस्ट बना सकें, रिलेट कर सकें, आप किसी चीज़ को रिपीट कर सकें या आप उसको स्टेट कर सकें। इसी तरह कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, एवेल्यूएशन और सिंथेसिस है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि कॉग्निटिव डोमेन आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी, ना सिर्फ ये बच्चों के लिए बल्कि टीचर्स के लिए और इसके साथ साथ पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगी, और वो देख सकते हैं कि उनका बच्चा किस लेवल पर है। थैंक यू।